वह आंख ही क्या जिन आंखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, वह कान ही क्या जिन कानों को दुखियों के रुदन का ध्यान नहीं, वह हाथ ही क्या जिन हाथों ने किया शुभ कर्मों में दान नहीं, वह रसना क्या जिस रसना ने किया प्रभु का गुणगान नहीं। वह सब व्यर्थ ही है एक तरह से। ये तन मन धन ये जीवन सदुपयोग में लग जाए, परोपकार में लग जाए, अच्छे कार्य में लग जाए, तो समझना ये ईश्वर की कृपा हम पर हुई है। कहीं ना कहीं तो लगना ही है, ये तन भी कहीं ना कहीं लगना है, धन भी कहीं ना कहीं लगना है, मन भी कहीं ना कहीं लगना है, समय भी कहीं ना कहीं तो लगना ही है। अब तक कहीं ना कहीं लगा ही है, आगे भी कहीं ना कहीं लगेगा ही, लेकिन ये सेवा में, परोपकार में, अच्छे कार्य में, समाज कल्याण में, लोक कल्याण में लग जाए, तन भगवान की सेवा में लग जाए और मन हरि के चिंतन में लग जाए, वाणी हरि के गुणगान में लग जाए, कान हरि की कथा सुनने लग जाए, पैर हरि के स्थान पर, मंदिर पर, कथा प्रांगण में आने लग जाए और चिंतन हमारा भगवान के लिए हो जाए, समझ लेना उसका जीवन धन्य हो गया है। समझना उस पर भगवान की ही कृपा, भगवान की कृपा से ही आप कुछ करने में सक्षम होते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर बैठे हैं, है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभावों में और गरीबी में हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि छत छोड़िए सिर पर माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं है, अनाथ भी है, पर भगवान का धन्यवाद करो कि हमारे सिर पर हाथ है, हमारे माता पिता का और हमारे भगवान का भी है। धन्यवाद करो कि हमारे सिर पर छत है, धन्यवाद करो कि हमारे पेट में जब भूख लगती है तो खाने के लिए निवाला है, धन्यवाद करो भगवान का कि समय समय पर जो चाहते हैं वो मिल ही जाता है। क्या रोते हो कि इसलिए पैरों में जूते नहीं दिए भगवान ने, इसलिए रो रहा था व्यक्ति कि पैरों में जूते ही नहीं दिए, जूते पहनने की सामर्थ्य नहीं, इतनी गरीबी कि जूते तक नहीं खरीद सकता, थोड़ी दूर गया, आगे चलकर देखा कि एक व्यक्ति के तो पैर ही नहीं थे, तब भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु जूते तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे, तूने पैर तो सही सलामत दिए है ना, ये एहसान काफी है, ये उपकार भी कम नहीं है, ये छोटे छोटे साधन और अभावों के लिए रोने की अपेक्षा अपने आप को देखें, बहुत कुछ दिया है उसने। माना कि कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है, वो एक उस पल की कमजोरी है, लेकिन सच तो यही है कि भगवान ने वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत थी, अब उसमें से बस थोड़ी सी जरूरत के अनुसार इन सब तक पहुंचाना है जिन जिनको जरूरत है। ये 7 दिन हमारे कथा में लग रहे हैं, ये बेकार नहीं जा रहे हैं, ये सदुपयोग हो रहे हैं, ये तन लग रहा है, ये मन लग रहा है, ये जीवन लग रहा है, ये ऐसे ही नहीं जा रहा, ये भगवान के यहाँ पर सब सुरक्षित हो रहा है। मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, शौनकादि जो सूत जी से पूछ रहे हैं वो काम आसान नहीं, भगवान को पाना और मुक्ति का द्वार खोजना आसान नहीं, और मुक्ति का द्वार केवल ऐसा नहीं कि कंदराओं में बैठकर ही खोजा जा सकता है, चलते चलते किसी के दर्द और पीड़ाएं मिटाकर भी मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं कि हिमालय पर जाकर ही मुक्त हो पाओगे, घर में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है, न जग छोड़ो न घर भूलो, कर्म करो जिंदगानी में और रहो दुनिया में, तुम ऐसे कमल रहता है पानी में, कमल की तरह खिलते रहना, उस
उसका काम है खिलना, कीचड़ तो नीचे है ना, वो उससे ऊंचा हो गया है, ऊंचा होकर खिल रहा है। दलदल हो सकता है कि हो इधर उधर, लेकिन आपको ध्यान देना ही नहीं है उस पर, आपका ध्यान ही है खिलना, आपका ध्यान ही है भगवान का भजन करना। शौनका ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा कि भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है, आध्यात्म ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको भव से पार कर सकता है। बिना आध्यात्म को जाने, बिना आध्यात्मिक हुए आप पार हो ही नहीं सकते। और आध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानना, खुद को जानना और जो हमारा है उसको जान लेना। इसको जाने बिना कैसे भी भव से पार होंगे ही नहीं। जब अपने आप को जाना ही नहीं तो पार कैसे होंगे? पार होगा कौन? शरीर तो पार होने के लिए आया नहीं है, शरीर तो यही मिल जाएगा, पार तो आत्मा को ही होना है ना, तो उसका दर्शन तो करना पड़ेगा।